हेलो दोस्तों, वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है रजत दलाल के रिलेटेड। तो रजत दलाल के इंस्टाग्राम पे एक फैन उनसे आसमिया क्वेश्चन में ये पूछता है कि क्या उनकी शादी हो गई है, जिसके आप एक छोटी से क्लिप देख लो। तीन बच्चे हैं भाई मेरे, कहाँ खो रहे हो भाई? किस साल की उम्र में शादी होगी थी भाई? जाटो में जल्दी हो जाती है, घरों जड़वाओगे बहनचे उल्टी सीधी। नेक्स्ट जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है अंकित बयापूरिया के रिलेटेड। तो अंकित बयापूरिया कॉलेज स्टूडेंट से मिलने वाले हैं जो कि उनसे इंस्पायर होके 100 डेज कोडिंग चैलेंज लिए थे, जिसका आप एक छोटी सी क्लिप देख लो। सर ने तो भाई मैंने बेरा पटा कि मेरे पास में एक कॉलेज है सोनीपत में, तो उसमें जो बालक है उन्होंने मेरे 75 वर्ड चैलेंज थे इंस्पायर होकर एक चैलेंज लिया था 100 डे कोडिंग चैलेंज। तो सब तो पहला था भाई सुनकर बहुत बढ़िया लगा कि भाई लोग सीख रहे कुछ ना कुछ मेरी वीडियोज थे। और दूसरा भाई मैं खुद का ले उनके कॉलेज न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी उन तमिलन जाऊंगा और जो भी अनुभव होगा आप लोगों तक शेयर करूंगा। जो अपडेट हमारे पास आ रही है वो आ रही है एलविश यादव के रिलेटेड। तो एलविश यादव अपने रिसेंट वीडियो में रिएक्ट करते हुए दिखे इलेक्शंस के रिलेटेड, इसका आप छोटी सी क्लिप देख लो। इलेक्शन से याद आया, देखो अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होगी किसको वोट कर रहे हैं किसको नहीं। हमारी अपनी है, आपकी अपनी है। बस मैं ये बोलना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि जिसको भी वोट करो, जिस भी पार्टी को वोट करो, जिस भी इंसान को वोट करो, सारी चीजें ध्यान में रख के करना। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ नहीं सोचा, दोस्त ने बोला कर दिया, किसी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो कर दिया। वोट करना तुम लोग डेवलपमेंट को, ठीक है ना, देश के लिए। और एक जो मेन चीज़ मेरे दिल से बहुत जुड़ी है वो हिंदुत्व, उसको भी दिमाग में रख के वोट करना कि किसने, क्योंकि कुछ रह ना रहे हमारा धर्म हमारा साथ जरूर देगा, हमारा धर्म सदा रहेगा। और उसको बचाने की भी लड़ाई है, आज ना सही आने वाले 20 सालों में सही। तो वोट उस हिसाब से देना।